नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। बंदूक के बल पे अफगानिस्तान पर काबिज हुए आतंकवादी संगठन तालिबान ने अब खुलेआम अमेरिका को चेतावनी दे दी और साफ साफ कहा है कि 31 अगस्त तक हर हाल में अमेरिकी सेना काबुल एयरपोर्ट से लौट जाए, नहीं तो अंजाम बुरे होंगे। आपको बता दें कि तालिबान और अमेरिका में जो समझौता हुआ है, उस समझौते के तहत 11 सितंबर तक अमेरिका और नेटो सेना को वापस हो जाना था, लेकिन बाद में बाइडेन प्रशासन ने उसे 31 अगस्त डेडलाइन कर दी थी और अब 31 अगस्त तक सेनाओं को वापस लौटना है। लेकिन इस बीच काबुल एयरपोर्ट से जो तस्वीरें और वीडियो वायरल हुए, उसमें देखा जा सकता है कि किस तरीके से लोग देश छोड़ना चाहते हैं लेकिन फ्लाइट नहीं मिल पा रही है। अमेरिका अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है। ऐसे में खबर आ रही थी कि थोड़ा डिले हो सकता है अमेरिकी सैनिकों के वापस लौटने में, यानी कि जो 6000 सैनिक काबुल एयरपोर्ट पर तैनात किए गए हैं वो और जो पहले से सैनिक बचे हुए हैं उनमें उनके लौटने में देरी हो सकती है। ये बात तालिबान को कतई बर्दाश्त नहीं है, क्योंकि तालिबान ने कह दिया है कि जब तक एक भी अमेरिकी सैनिक यहाँ पर है, यानी कि अफगानिस्तान में, तब तक वो अपनी सरकार के बारे में या सरकार के गठन नहीं करेंगे, अमेरिकी सैनिकों के वापस लौटने के बाद ही करेंगे। इसी बीच सुहेल साइन जो प्रवक्ता है तालिबान का, उसका बयान आया कि अमेरिका 31 अगस्त तक अपने सैनिक वापस बुलाए, नहीं तो अंजाम बुरे होंगे। अंजाम बुरे होंगे क्या होगा? क्या तालिबान अमेरिकी सैनिकों पर हमला करेगा या और कुछ सोच रहा है वो? बहुत सारे उसके सामने विकल्प हैं। इसी बीच एक खबर आ रही है कि जो ब्रिटेन है उसके जो प्रधानमंत्री हैं जॉनसन, वो जो है G7 की बैठक बुलाई जा रही है, जिसमें अमेरिका से कह सकते हैं कि अभी सैनिकों को वहाँ पर रोका जाए ताकि अधिक से अधिक लोगों को वहाँ से निकाला जाए। यदि ये प्रस्ताव आता है और पारित होता है तो फिर अमेरिका के सामने मुश्किल बढ़ेगी। और उधर बाइडेन ने पहले ही चेतावनी दे रखी है कि यदि तालिबान ने अमेरिकी सैनिकों पर हमले की गलती की तो अंजाम बुरे होंगे, यानी कि दोनों तरफ से धमकी दी जा रही है। तो क्या ये मैच फिक्स है, दिखाने के लिए ऐसा किया जा रहा है या वास्तव में ऐसा कोई इरादा है? ये तो रही तालिबान और अमेरिका की बात। अब जरा बात करते हैं शेर की घाटी पंजशीर की, जिस पर कब्जे के लिए तालिबान ने उसे चारों तरफ से घेर लिया है। लेकिन पंजशीर में जो अहमद शाह हैं, अहमद मसूद बल्कि कहें, अहमद शाह मसूद के बेटे हैं वो, और जो है पूर्व क्या जो जिन्होंने अपने को राष्ट्रपति डिक्लेयर कर लिया अमरुल्ला साले, उन्होंने साफ कह दिया कि सरेंडर नहीं करेंगे और आखिरी सांस तक पंजशीर के लिए लड़ेंगे। हाँ, इस बात को स्वीकार किया है कि शांतिपूर्वक कोई रास्ता निकल आता है तो ठीक है, नहीं तो लड़ाई होगी और लड़ाई चल भी रही है। खबर तो यहाँ तक आ रही है कि 300 तालिबानी लड़ाके मारे गए। हालांकि तालिबान की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि फिर से जिन्हें 3 जिलों पे कब्जा किया गया था नादर्न अलायंस द्वारा, उसको उन्होंने वापस छीन लिया है। लेकिन ऐसे में होता क्या है कि जब दो पक्षों में संघर्ष चल रहा होता है, दोनों तरफ से दावे किए जाते हैं, किसके दावे पे यकीन किया जाए जब तक कि वेरिफिकेशन नहीं हो जाता। अब अफगानिस्तान की जो भी घटनाक्रम है उस पर हमारी नज़र है कि क्या पंजशीर से खबर आती है और अमेरिका तालिबान में जो टकराव है वहाँ से क्या खबर आती है, किस तरीके से वहाँ महिलाओं बच्चों और लोगों को तंग किया जा रहा है। जैसे कोई अपडेट मिलेगा आपसे साझा करेंगे। आप रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।